छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया में निरंतर हो रहे भ्रष्टाचार एवं संदेहास्पद गतिविधियों का आरोप लगाते हुए भाजपा ने जिला कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं की चिंता लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्य लोक सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। साथ ही नारेबाजी कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि भाजयुमो द्वारा 10 बिंदुओं पर महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ में हो रहे भ्रष्टाचार पर ध्यान आकर्षित कराने के साथ ही प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए और युवाओं के अधिकार के लिए संज्ञान लेकर इस भर्ती प्रक्रिया की CBI जाँच कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार में PSC भर्तियों में जो घपला हुआ है, जो धांधली हुई है, उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का की युवा शाखा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित मिश्रा के नेतृत्व में हम आए हैं और इसके साथ साथ आज PSC में कुछ अधिकारियों, कुछ राजनेताओं और कुछ बड़े घरानों के बच्चों का अपॉइंटमेंट किया गया है। जो बच्चे लगातार पिछले 5 साल से 7 साल से मेहनत कर रहे थे, बड़ी उम्मीद से मेहनत कर रहे थे, जिनके माँ बाप को ये था कि आज हमारा बच्चा इस परीक्षा को पास करके एक अच्छी जगह पा जाएगा तो हमारे घर का भविष्य सुधर जाएगा, हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी। उन सब की खुशहाली के ऊपर इस सरकार ने पानी फेर दिया है और इस सरकार ने ऐसे होनहार बच्चों के साथ धोखा किया है। आज अमृत खलको नाम के व्यक्ति जो राज्यपाल का OHD है, उसके 2 बच्चों का अपॉइंटमेंट हुआ है। एक सोनवानी जो चेयरमैन था, उसके 4 रिलेशन में लड़का लड़की दामाद और भतीजी, इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। ऐसे कई और घराने हैं, राजनीतिक संरक्षण पा रहे हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनके सबके बच्चों का हुआ है। ये लगातार शोषण की नीति है, युवकों के साथ शोषण किया जा रहा है। पहले इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी कि हम सबको 2500 बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 4.5 साल बाद आज इनको बेरोजगारों की याद आई और अभी भी जो भत्ता देना चालू किया है इन लोगों ने, उसमें भी 3/4 बच्चे भत्ते के हकदार नहीं है और लगातार ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे अपॉइंटमेंट की बात हो, अभी भी जो अपॉइंटमेंट होने वाले हैं सचिवों के होने वाले हैं, PSC के माध्यम से होने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर के होने वाले हैं, इसमें भी सौदेबाजी अभी से चालू हो गई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं न्याय हो, यहाँ के छत्तीसगढ़ के युवकों को न्याय मिले, उनका भविष्य सुधरे और वो एक अच्छा जीवन जीने में सक्षम रहे, ये हम चाहते हैं। ब्रजेश बिजपुरिया, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, भिलाई। ईडी तैयार है, ईडी तैयार है, सोनिया जिसकी अम्मी है, सोनिया जिसकी अम्मी है, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। युवा मोर्चा के इस ज्ञापन कार्यक्रम में, जिसके नेतृत्व में हम सब आज इकट्ठा हुए हैं, युवाओं के धड़कन भाजयुमो के जिलाध्यक्ष भाई जीत यादव जी, युवा मोर्चा के प्रभारी दाऊ ललित चंद्राकर जी, हमारे लोकप्रिय दोनों महामंत्री मनोज शर्मा जी, मुकेश सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष बहन अलका बगमार जी, दिलीप साहू जी, मंत्री आशीष निमजे जी, दीपक चोपड़ा जी, हमारे सहकारिता के नेता प्रीतमान बिलचंदन जी, महिला मोर्चा के लोकप्रिय अध्यक्ष बहन दिव्या कलहरी जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष बहन भूमिका बंजारे जी, हमारे युवा मोर्चा के समस्त प्रेरणा। CN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।